जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सराहा, तो उसके तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो दोस्तों बहुत ही बड़ी संकट आ गई है हमारे देश में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में दोस्तों बहुत ही हाहाकार मचा दिया है, और उसका नाम हम लोग सब जानते हैं, कोरोना वायरस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताएंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस जो बीमारी है, महामारी आखिर आई कहां से और किन कारणों से होती है, कैसे फैलता है, इसका बचाव के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेना होगा, और साथ ही साथ दोस्तों पूरा आपको बताएंगे हेल्पलाइन के साथ, और कुछ कुछ मिथ्याएं जुड़ी हुई है दोस्तों कि ये करने से ठीक हुआ, ये करने से ठीक होगा, तो सारा कुछ वीडियो को मैं आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर यूट्यूब में देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा एक नाम जो आपको सुनने में मिल रहा है कोविड-19, तो इसका मतलब आखिर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि दोस्तों इसके जो पहला केसेस जो चाइना में हमको मिला था, तो चाइना में कहां मिला था, वुहान सिटी, जहां पे दोस्तों कच्चा मीट का सेवन किया जाता है। और दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि यहाँ ये ऐसा मार्केट है, वुहान का मार्केट जो होलसेल मार्केट है, यहाँ पर दोस्तों कच्चे मीट का लगभग 200 से 300 प्रजाति जानवरों की मिलती है, जहां पर लोग बड़े चाव से खाते हैं। और दोस्तों किन्हीं एक जानवर से ये जो बीमारी निकली है और मनुष्य तक गई है, और मनुष्य के बाद धीरे धीरे ये फैलता गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को बता दिए, तो कोविड-19। और दोस्तों इसका सबसे पहला केस जो आया था 31 दिसंबर 2019 को, इसका सबसे पहले केस नोटिस किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं दोस्तों इसका लक्षण क्या है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो निमोनिया, आप लोग नाम सुने होंगे इसके, तो निमोनिया जैसा मतलब आपका जैसे खांसी हो गया और साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत, बुखार आ गया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला केस चाइना में ही आया था। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि 9 जनवरी 2020 को दोस्तों WHO, आप लोग जान रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो WHO है इसका नामकरण किया कोविड-19। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि कोविड-19 एक प्रकार का बीमारी है जो आया है SARS-CoV-2, याद रखिएगा SARS-CoV-2 इस फैमिली का ही एक मेंबर है कोविड-19। सो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कितने लोग अभी तक इससे ग्रसित हुए हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में अभी तक 1,67,515, ये दोस्तों डेटा जो आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये आपका 15 मार्च तक का डेटा है। तो अभी दोस्तों कुछ और एक दिन आगे बढ़ गए, ये तो होगी दोस्तों पूरे दुनिया की। आप दोस्तों बात करते हैं चाइना की, आपको बता देना चाहते हैं। सो फ्रेंड, चाइना में अभी जो केसेस मिले हैं वो आपका 81,077 केसेस मिल चुके हैं, और दोस्तों चाइना के बाहर 86,438 केसेस मिल चुके हैं, जो कि 150 कंट्री को मिला के होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने लोग मारे गए इस कारण। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 3,218 केसेस मिले हैं जहां पर लोग मर चुके हैं चाइना में। और दोस्तों चाइना के बाहर आते हैं तो दोस्तों वहां पर 3,388 केसेस मिल चुके हैं जहां पर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही संकटदायक क्षण पूरे दुनिया में चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे देश भारत में कितने केसेस मिले हैं। तो अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों 170 केसेस मिल चुके हैं, जहां पर आपका मुंबई हो गया, यूपी हो गया, जहां पर ज्यादा लोग ग्रसित हुए हैं इस बीमारी से, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से आया, यानी चाइना से ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद इटली, फ्रांस, ईरान और अभी लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। सो फ्रेंड्स, वहां के जो लोग आ गए हमारे देश में इसके, और धीरे धीरे वो दूसरे लोगों के कॉन्टेक्ट में आए, जिसके कारण ये बीमारी फैलता गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों वो हवा के कारण नहीं होता है, आप पर्सनल टच में आप आओगे तभी दोस्तों ये बीमारी होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे राज्य झारखंड की। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर भी दोस्तों कुछ केसेस मिले हैं, गोला में एक केसेस मिला और हजारीबाग के समीप एक केसेस मिला और रांची में कुछ केसेस मिले हैं। और दोस्तों अभी जो ताजा जानकारी के अनुसार मुझे जो पता चला कि बाहर से कुछ लोग रांची में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रांची जो है हमारे राज्य की राजधानी है, वहां पर एयरपोर्ट की सुविधा भी है,
तो विदेश से जो लोग आए तो 90 ऐसे केसेस मिले जहां पर लोगों को पॉजिटिव पाया गया। तो फ्रेंड्स वहां के जो मरीज थे रांची रिम्स कॉलेज में गए अपना चेकअप कराए और दोस्तों वहां से भाग गए। सो फ्रेंड्स आप लोग जितने जो झारखंड के रहने वाले हो तो आप लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग घर से बाहर ना निकले, ट्रेन और बसों की यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी ना हो, अगर कोई काम आपका है जो 15 दिन के बाद भी हो सकता है, सो फ्रेंड्स आप लोग उसका वेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है, आप लोग जानते ही हो। सो आपकी सुरक्षा आपके हाथ ही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में। सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोलता है कि दोस्तों लक्षण इसमें आपको 2 से 12 दिन का टाइम भी लग सकता है, कभी कभी 1 सप्ताह, कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 12 दिन का समय लग सकता है का लक्षण दिखने में। तो लक्षण क्या क्या है दोस्तों कि आपको खांसी आएगी, हो सकता है आपको सर्दी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, बुखार आ सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ परिस्थिति आपको फेस किए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग निजी हॉस्पिटल में जाके संपर्क करें या फिर जो भारत सरकार की जो हेल्पलाइन दी गई है उसमें आप संपर्क कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं ये फैलता कैसे है आखिर। सो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बीमारी है दोस्तों ये जानवर से इंसानों में आ गई है, अब इंसान से इंसान में ट्रांसफर हो रहा है। यानी दोस्तों अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस से ग्रसित है, आप उसके पर्सनल टच में आए तो आपको भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर ये फैलता कैसे है। तो फैलता कैसे है दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दे कि ये एनिमल से इंसानों में आया है, जानवरों से इंसानों में आया है और उसके बाद इंसानों से इंसानों में 2 से 3, 3 से 4, 5 से, इससे करते करते बढ़ता गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे जुड़ी कुछ मिथ्याएं हैं जो समाज में एक दूसरे को फैलाई जा रही है, जो बिल्कुल ही भ्रामक बनाई जा रही है समाज को, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहला जो है आपका, जिसे आपका लोगों को बोला जा रहा है, आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज या फिर वीडियो आप लोग देखे होंगे कि चिकन में, मटन में और फिश में भी कोरोना वायरस आ चुका है। सो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये दोस्तों बिल्कुल ही मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक एक भी केसेस पूरी दुनिया में नहीं आया है कि किसी भी चिकन को या फिर किसी भी बकरी के बच्चे या फिर कोई भी गोट को मतलब कोरोना वायरस हुआ है। सो फ्रेंड्स आप लोग निश्चिंत होके इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात होती है हेल्थ की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दे कि चिकन मटन ये सब खाने से क्या होता है, फैट बढ़ जाता है और छोटी मोटी बीमारी जैसे मोटापा हो गया, हाई BP हो, सो फ्रेंड्स इस तरह की बीमारियों में डॉक्टर बोलते हैं कि आप चिकन मटन का सेवन कम करें। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे एक मैसेज, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज्यादा इसका प्रचार भी किया जा रहा है कि गोमूत्र से इसका ठीक हो सकता है और साथ ही साथ गाय के गोबर से भी दोस्तों ये कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। आप लोग दोस्तों लॉजिकली समझिए, और WHO ने दोस्तों इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देख रहे हो, एक पीला पीला तरह का, हल्का पीला पीला तरह का ऐसा ऐसा घुमा घुमा चीज है, वो क्या है दोस्तों, तो आपकी जानकारी के बाद वो है लिपिड फैटी एसिड, ठीक है, एसिड आप याद रखिएगा। और गोमूत्र जो भी एक्सक्रीशन या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, तो जो भी निकलता वो भी एसिड ही होता है। तो फ्रेंड एसिड के साथ जब बेस होगा तभी न्यूट्रल जो है पदार्थ वही बनेगा। यानी दोस्तों आप एसिड में और एसिड मिला दीजिएगा तो वो बढ़ ही जाएगा, उससे कम होने की संभावना नहीं लगती। और अभी तक ना किसी डॉक्टर ने और ना ही WHO ने प्रमाणित किया है कि गोमूत्र से या गोबर से कोरोना वायरस ठीक किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों एक दूसरी भ्रांति है कि जो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक ना WHO ने ना किसी संस्था ने यह प्रमाणित किया कि टेम्परेचर बढ़ने से भी कोरोना वायरस कम हो सकता है। सो फ्रेंड ये कुछ भ्रांतियां है, तो आप लोग इन भ्रांतियों से दूर रहिएगा, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना वायरस हो जाए तो हमें किन किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए और क्या क्या हमें करना है। सबसे पहला आता है दोस्तों जो कि बहुत ही प्रचार इसका किया जा रहा है, हैंड वॉश। आपको दोस्तों कोई भी आपके घर में साबुन है, हैंड वॉश के डिटॉल है या फिर जो भी आप हैंड वॉश यूज करते हैं घर में, या कुछ नहीं है तो साबुन ही अगर आपके घर में है, सो फ्रेंड उसको आपको हाथों में लेना है और कम से कम 15 से 20 सेकंड तक उसको हाथों में इसे रगड़ना है, ठीक है फ्रेंड। अगर इन केस आप किसी से हैंड से, क्योंकि कोरोना वायरस से ग्रसित है और उससे आप हाथ मिलाए हो, तो फ्रेंड आपके पास समय है, आप जाओ और जल्द से जल्द हैंड वॉश कर लो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो वायरस है वो निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो एसिड है, फैटी एसिड है, फैट है, और आपके पास जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हो वो बेस है तो न्यूट्रल बना देगा,
तो यानी उसका खत्म हो जाएगा। साइंटिफिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर किन्हीं लोगों को कोरोना वायरस जैसे लग रहा है कि आपके पास खांसी या छींक आ रही है तो आपको मास्क यूज करना है। फ्रेंड बाजार में तो बहुत सारे मास्क आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो कारगर जो सबसे सटीक मास्क है वो हो गया N95। आप देख रहे हो स्क्रीन पर। सो फ्रेंड ये आपका N95 मास्क है, थोड़ा सा महंगा आपको मिल सकता है लेकिन दोस्तों ये कारगर मास्क है। इसके अलावा दोस्तों आप घर में भी मास्क बना सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, लेकिन दोस्तों आपको फिर वैसा ही मास्क यूज करना है जो घर में आप बनाते हो टिश्यू पेपर से मान लीजिए, तो आप लोग उसको यूज कीजिए और अगला दिन बदल दीजिए या चेंज कर दीजिए या फिर उसको अच्छी तरह से धोइए ताकि उसमें अगर कोई कीटाणु है तो वो खत्म हो। सो फ्रेंड्स इसको याद रखिए कि जिनका हुआ है जिनका लग रहा है कोरोना वायरस में है तो उन्हीं लोगों के लिए मास्क है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए मास्क है। अब अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा ये, जैसे ही आपको ये लक्षण मिलते हैं जो मैंने आपको बताया पहले, तो आप लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाइए और चेकअप कराइए। डरिए मत, क्योंकि दोस्तों आप डरिएगा, घर में रहिएगा तो दोस्तों आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो आप लोग इसको निश्चिंत रहिए, आप लोग जाइए और इसका इलाज करवाइए, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट स्टेज में अगर इसका इलाज कर देते तो हो सकता है कि आप ठीक हो जाए। क्योंकि दोस्तों जयपुर में मुझे ऐसे केसेस मिले हैं, कल मैंने टीवी में एक इंटरव्यू में देखा कि एक डॉक्टर की टीम है जिन्होंने 3 मरीजों को ठीक भी किया अभी तक। तो दोस्तों आप लोग हॉस्पिटल जरूर जाए आप, अगर आपको इन लक्षणों को देखने मिलता है आपके शरीर में। और साथ ही साथ दोस्तों आप भीड़ भाड़ की जगह में ना जाए, ट्रेन की यात्रा बसों की यात्रा ना करें, और जिन लोगों का हो चुका है उनसे आप 1 से 2 मीटर की दूरी को बरकरार रखें। ये जो वायरस है दोस्तों ये पर्सनल टच से होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हवा में फैल रहा है, हवा में तैर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो वायरस है ये हवा में तैरता नहीं है, पर्सनल टच से एक इसको मीडियम चाहिए। सीधा सीधी बात है कि दोस्तों इसको एक मीडियम चाहिए, आप पर्सनली टच करोगे तो एक वायरस से दूसरे जगह पर वो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दोस्तों आप गैप रखोगे ऐसा 1 से 2 मीटर का गैप तो वो वायरस ऐसा नहीं है कि जंप करके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब लास्ट में फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस से अगर हो जाता है तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आता है कि अगर आपके पास खांसी बुखार हो जाता है या फिर छींके आ रही है तो आप लोगों को जहां मन तहां थूकना ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और नाक मुंह आंख को आप लोग ढक के रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, बिना किसी जरूरी काम के आप लोग बाहर ना ही जाए तो ही अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स इतनी सारी जानकारियां थी जो मैंने कलेक्ट की और आप लोग के समक्ष में रखा, तो दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि सभी प्रकार की जानकारियां मिल सके और भ्रांतियों से दूर रह सके। और लास्ट में दोस्तों सारांश में बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो हाथ मिलाते हैं उससे अच्छा आप नमस्कार कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भारत की सभ्यता भी है और इससे आपका कोरोना वायरस भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।